फिलहाल पूरे भारत के अंदर फाइबर ब्रॉडबैंड, अच्छा फाइबर ब्रॉडबैंड, तगड़ी स्पीड वाला और अनलिमिटेड डेटा वाला फाइबर एंड ब्रॉडबैंड जो है दोस्तों, उसकी सर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 500 कंपनीज आपको अच्छी ऑफर थी जहां पे जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ये सारी कंपनी दोस्तों लीड करते हैं। लेकिन इन दोनों को ही टक्कर देने के लिए स्पेक्ट्रा फाइबर दोस्तों, छोटी सी कंपनी लेकिन ये कड़ी टक्कर यहां पे जियो एयरटेल को दे रही है। इसका एक धमाकेदार दोस्तों प्लान आया 999 अनलिमिटेड 250 MBPS। क्या दोस्तों प्लान है, किस तरह से ये जियो एयरटेल को धूल चटा रहा है, क्या ये बेस्ट फाइबर ब्रॉडबैंड होगा दोस्तों फिलहाल अभी तक का, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ चुका है, लोग घर से ही काम कर रहे हैं। कुछ हो या ना हो दोस्तों, आपके पास एक अच्छा फाइबर ब्रॉडबैंड होना चाहिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कंपनी को भी चूज करो, एक फाइबर ब्रॉडबैंड आपको लेना पड़ेगा, और खास करके अनलिमिटेड अगर मिलता है तो जरूर ले लेना। लेकिन अनलिमिटेड की डेफिनेशन दोस्तों एयरटेल की, बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है जियो फाइबर इन सबकी अलग है। अनलिमिटेड में दोस्तों यहाँ पे फेयर यूज की पॉलिसी लगाई जाती है, जहां पे 3.3 TB डेटा मिलता है आपको मंथली। हालांकि 3500 GB डेटा जो है, 3300 GB डेटा है मोर देन इनफ होता है, लेकिन ट्रूली अनलिमिटेड एक अलग चीज है। जैसे मेरा जो है ट्रूली अनलिमिटेड है, 50,000 GB यूज कर लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन कंपनी की दोस्तों फेयर यूज पॉलिसी यहां पे आती है। लेकिन इस पॉलिसी से हट के दोस्तों स्पेक्ट्रा फाइबर जैसी छोटी सी कंपनी जो अपनी सर्विस को दोस्तों कुछ कुछ जगह पे यहां पे लाती है। अगर बात करूं दोस्तों स्पेक्ट्रा की, तो स्पेक्ट्रा कुछ कुछ जगह पे काम करता है, जैसे दोस्तों दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बड़ी बड़ी जो सिटीज कुछ कुछ है जहां पे स्पेक्ट्रा की सर्विस मिलती है। अब ये दोस्तों एक धमाकेदार प्लान लेके आया जो हकीकत में जियो एयरटेल को ठोक रहा है। यस, इस प्राइसिंग में 999 का दोस्तों ये प्लान है, जहां पे आपको क्या मिलता है, यहां पे अनलिमिटेड डेटा आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी कैपिंग नहीं है फेयर यूज पॉलिसी वाली जियो एयरटेल की, जैसे आपको टोटल अनलिमिटेड डेटा यहां पे मिलेगा। स्पीड की अगर बात कर लें दोस्तों, यहां पे 250 MBPS की स्पीड मिलेगी, 250 MBPS अनलिमिटेड डेटा आपको दोस्तों स्पेक्ट्रा के 999 प्लान में मिलने वाला है। और इसके साथ दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं, इसके साथ आपको फ्री में ड्यूल बैंड राउटर भी मिलने वाला है। फ्री में ड्यूल बैंड राउटर, अनलिमिटेड डेटा, 250 MBPS की सुपर फास्ट स्पीड, मंथली 999 आपको यहां पे देना है। अगर टोटल अगर चार्जेस की बात करें, अगर आप नया कस्टमर हैं दोस्तों, नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पे इंस्टॉलेशन का 1000 रुपीज देना पड़ेगा, प्लस GST वगैरह एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 360 रुपए। टोटल आपकी अमाउंट जो हो जाती है 4360 हो जाती है। आप सोचेंगे 2000 समथिंग का 4000 कैसे, तो 2000 जो एक्स्ट्रा आप देते हैं ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, जिसके लिए आपको राउटर दिया जाता है। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लगती, राउटर वापस दे दीजिए, आपका 2000 वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2000 रिफंडेबल अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा ली जाती है, तो ऑलमोस्ट 4000 समथिंग आपको देना है। और आपको दोस्तों यहां पे राउटर मिल जाएगा, आपको ड्यूल बैंड राउटर मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा आपको मिल रहा है, 999 का दोस्तों प्लान है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहां पे प्लान काम करता है। फिर से बता दूं, 999 का प्लान है, 999 पर मंथ आपको देना है 250 MBPS सुपर फास्ट स्पीड आपको फाइबर मिलने वाला दोस्तों, इसके अंदर ड्यूल बैंड राउटर मिलने वाला, टोटली अनलिमिटेड डेटा आपको मिलने वाला है जहां पे भी स्पेक्ट्रा फाइबर की सर्विस है। अब इसकी कंपेयर अगर करते हैं जियो से और एयरटेल से, तो क्या है, तो जियो एयरटेल दोस्तों दोनों ही कंपनी फेयर यूज की पॉलिसी में काम करती है। उनका कोई भी प्लान ले लो 3.3 TB की कैपिंग के साथ आता है, मतलब कोई भी प्लान ले लो। तो दोनों की बात करें जियो की एयरटेल की, तो जियो एयरटेल भी 999 के प्लान देते हैं, लेकिन जियो की अगर बात करता हूं तो 150 MBPS देता है, एयरटेल आपको 200 MBPS की स्पीड देता है। यस, इस प्लान, इस पर्टिकुलर रेंज में जियो आपको 150 MBPS देगा, एयरटेल आपको 200 MBPS देगा, लेकिन अनलिमिटेड डेटा नहीं देगा। लेकिन इन दोनों से ही ज्यादा, ना 150 ना 200, 250 MBPS 999 में टोटली अनलिमिटेड स्पेक्ट्रा फाइबर फिलहाल दे रहा है। लेकिन एक माइनस पॉइंट स्पेक्ट्रा का भी, क्योंकि स्पेक्ट्रा आपको कॉलिंग वॉलिंग नहीं देता, ना कोई OTT मसाला देता है। तो ये अगर सारी चीजें अगर बंडल लेना है आपको 4K बॉक्स वगैरह, तो आपको जियो एयरटेल बेस्ट होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रॉडबैंड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज करते हुए टोटल अनलिमिटेड, तो स्पेक्ट्रा का दोस्तों ये प्लान आपके काम आ सकता है। जब स्पेक्ट्रा सिर्फ 999 में टोटली अनलिमिटेड डेटा आपको हाई स्पीड 250 MBPS की स्पीड से दे रहा है, जो जियो एयरटेल से काफी काफी तगड़ी डील यहाँ पे फ्रेंड्स। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको ये ऑफर कैसा लगा, और मुझे बताइए फिलहाल आप कौन सा फाइबर ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, क्या आपको मंथली रेट आता है, कितना दोस्तों आपको स्पीड मिलती है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखिएगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज बोले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।